बात आती है टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस। डेटाबेसेस कौन कौन सी टाइप के हैं? डेटाबेसेस जो है बेसिकली टू टाइप्स के हैं, एक है रिलेशनल डेटाबेस और दूसरे है नॉन रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? एक ऐसा डेटाबेस है जो कि आपको इनेबल करता है अपने डेटा को स्टोर करने के लिए अक्रॉस मल्टीपल टेबल्स। यानी कि आप रिलेशनल डेटाबेस में डेटा जो है आप टेबल्स में स्टोर करते हैं और उनको लिंक करते हैं और डिफरेंट टेबल्स को रिलेशनशिप के साथ, कोई स्पेसिफिक रिलेशनशिप क्रिएट करके उन टेबल्स के दरमियान में आप उन टेबल्स का एक लिंक क्रिएट करते हैं। तो रिलेशनल डेटाबेस आपका टेबल्स की फॉर्म में डेटा होता है और आप डिफरेंट टेबल्स को एक दूसरे के साथ लिंक कर सकते हैं। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो आपके पास एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि रिलेशनल मॉडल्स की बेस पे वर्क करता है। नॉन रिलेशनल डेटाबेस जो है, नॉन रिलेशनल डेटाबेस आपके पास एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ डेटाबेस है जिसमें टेबल्स भी होते हैं, टेक्स्ट भी होता है और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेटाबेसेस जो है वो कंबाइन की होती है, तो उस डेटाबेस को हम नॉन रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। अब ये डेटाबेस स्ट्रक्चर जो होती है इसमें आप वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो भी दे सकते हैं विद डिफरेंट फॉर्मेट्स, और इस तरीके से ये जो डेटा सेट है वो नॉन रिलेशनल डेटाबेस जो है वो आपका रिलेशनल डेटाबेस की निस्बत ज्यादा जो है वो फ्लेक्सिबल बन जाता है। बट जो हमारा रिलेशनल डेटाबेस है वो रिलेशनल डेटाबेस टेबल्स की फॉर्मेट में जो डेटा स्टोर करता है और उन टेबल्स को एक दूसरे के साथ लिंक किया होता है, तो वो लिंक्ड जो टेबल्स होते हैं और वो जो सेपरेट टेबल्स का डेटा होता है आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो आप DBMS जो रिलेशनल डेटाबेस के लिए यूज होता है उसको आप RDBMS भी बोल सकते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है आपके पास MySQL की। ये आपके पास एक ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि रिलेशनल डेटाबेस को हैंडल करता है। उसके अलावा ओरेकल है, PostgreSQL है और इसके अलावा SQL सर्वर है, ये रिलेशनल डेटाबेसेस को हैंडल करते हैं। MongoDB जो है वो नॉन रिलेशनल डेटाबेस को हैंडल करने के लिए एक बहुत ही बेस्ट सर्वर है। तो हम इस MySQL में चूंकि रिलेशनल डेटाबेसेस के बारे में बात की जाती है और रिलेशनल डेटाबेस को यूज किया जाता है, सो हम MySQL में रिलेशनल डेटाबेस को यूज करें।